છો, કેમ છો? મજામાં. જય શ્રી કૃષ્ણ. સો ટુડે વી આર ગોઈંગ ટુ સ્ટાર્ટ અ ન્યુ ચેપ્ટર, ચેપ્ટર નંબર 3 ઓફ ક્લાસ 12 ફિઝિક્સ, કરંટ ઇલેક્ટ્રિસિટી. તો યે થોડા ચેપ્ટર તો આપ 10th મે પઢ કે આયે હે, કુછ કુછ ટોપિક તો સિમિલર હી હોંગે, લેકિન 12th કા યે સબસે જ્યાદા ઇમ્પોર્ટન્ટ ઓર થોડા લેન્ધી ચેપ્ટર હે. तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो एट ए ग्लांस हम देख लेते हैं, फिर हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे. आज तो सिर्फ इंट्रोडक्शन होगा और करंट की बात होगी, करंट के रिलेटेड 2-3 सम्स देखेंगे और आज का लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा. तो इस लेक्चर में सबसे पहले तो हम करंट पढ़ने वाले हैं. तो सिंपल डेफिनेशन ऑफ करंट है दैट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज कॉन्स्टिट्यूट दैट इलेक्ट्रिक करंट. फिर करंट के बाद हम पढ़ेंगे उसमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी पढ़ेंगे, ठीक है. उसके बाद ओम्स लॉ इसमें पढ़ने को मिलेगा, रेजिस्टिविटी आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए. उसके बाद लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ भी पढ़ेंगे, ठीक है. उसके बाद हम आगे जाएंगे तो टेम्परेचर डिपेंडेंट रेजिस्टिविटी वो भी पढ़ेंगे. फिर कार्बन रेजिस्टेंस पढ़ेंगे जिसमें आपको कलर कोडिंग करके कार्बन जो रजिस्टर है उसका वैल्यू बतानी है आपको, वो भी पढ़ेंगे. देन आफ्टर यहाँ पे हम किरचॉफ वोल्टेज लॉ जिसमें जंक्शन लूप ये सब आपको पढ़ने को मिलेगा. ये सेम रूल आपको कैपेसिटर में भी अप्लाई कर सकते हैं और इजीली सम कैलकुलेट कर सकते हैं. देन आफ्टर हम सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन देखेंगे रजिस्टर का. सेम सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन हम देखेंगे सेल का भी. तो सेल आया है तो हम ईएमएफ भी पढ़ेंगे, ठीक है. इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ये टर्म आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा. सो ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव सेल और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बरबर सेल में हम ईएमएफ पढ़ने वाले हैं. फिर उसका सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन भी देखेंगे कंप्लीट. देन आफ्टर पोटेंशियोमीटर. पोटेंशियोमीटर में हम उसका प्रिंसिपल, उसके यूज, ठीक है. उसमें वेस्टर्न ब्रिज भी हम लर्न करने वाले हैं. जब कोई ब्रिज इक्विलिब्रियम कंडीशन में हो तो उसमें हम किस तरह रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं, तो वो होगा वेस्टर्न ब्रिज. तो वेस्टर्न ब्रिज का लेक्चर हमने कैपेसिटर में भी पढ़ा था कि किस तरह कैपेसिटर द रेशियो ऑफ लेफ्ट हैंड साइड एंड द रेशियो ऑफ राइट हैंड साइड इफ आर इक्वल देन नो नीड ऑफ द कैपेसिटर ऑफ बिटवीन बराबर मिड पॉइंट. तो इस तरह पूरा लेक्चर हम पूरा चैप्टर हम कंप्लीट करने वाले हैं. तो साथ में पढ़ते रहिए, करते रहिए और जो चैप्टर हो गए उसका भी रिवीजन करते रहिए. चलिए तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी. करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिसिटी कंप्लीट. सो फर्स्ट और सेकंड चैप्टर से ये चैप्टर थोड़ा अलग क्यों है, क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि जब कोई चार्ज रेस्ट में होगा तो उसकी जो हम पूरी डिटेल में लर्न किया, जैसे कि चार्ज है तो उसके रिलेटेड उसका फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके रिलेटेड फोर्स कंप्लीट, डाइपोल, डाइपोल से उत्पन्न होने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सिस एंड इक्वेटर, फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स देखा, गाउस एप्लीकेशन देखी, गाउस लॉ भी देखा, पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, पोटेंशियल एनर्जी कंप्लीट. तो ये सब पूरी कहानी हमने पढ़ी. तो चार्ज जब रेस्ट में होगा इट मींस वेलोसिटी इज जीरो, देन एक्सेलरेशन इज आल्सो जीरो, देन द ब्रांच इज नोन एज इलेक्ट्रो स्टैटिक. अब हम चार्ज को मोशन में लाने वाले हैं, क्योंकि अब चार्ज भागने वाला है. तो चार्ज जब भागेगा तो उसमें भी दो केस होंगे, व्हेन वेलोसिटी इज कॉन्स्टेंट एंड वेलोसिटी इज वेरिएबल. जब वेलोसिटी कॉन्स्टेंट होगी तब भी एक्सेलरेशन तो जीरो ही होगा कंप्लीट. तो यहां पे जो ब्रांच होगी वो होगी करंट इलेक्ट्रिसिटी,
और जब वेरिएबल वेलोसिटी होगी तब होगी इलेक्ट्रिक मैग्नेटिज्म। कंप्लीट। और इसकी जो रिलेटेड थियरी होगी वो होगा चैप्टर नंबर 6, 7, 8 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, अल्टरनेटिंग करंट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। कंप्लीट। तो आपका पूरा पार्ट वन कंप्लीट हो जाएगा। तो आज के लेक्चर में हम चार्ज को भगाने वाले हैं विथ कॉन्स्टेंट वेलोसिटी। चलिए तो भगाते हैं चार्ज को। सो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं करंट। तो करंट की बेसिक डेफिनेशन हम कर सकते हैं दैट द फ्लो ऑफ चार्ज कॉन्स्टिट्यूट इलेक्ट्रिक करंट। अगर दूसरी डेफिनेशन बनानी हो दैट इफ अमाउंट ऑफ चार्ज क्यू पासिंग थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन अक्रॉस एनी क्रॉस सेक्शन इन अ यूनिट टाइम इन अ परपेंडिकुलर डायरेक्शन दैट इज नोन एज करंट। इट मीन्स I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। तो इसकी डेफिनेशन क्या करेंगे द फ्लो ऑफ चार्ज इज क्यू इज पासिंग इन अ यूनिट टाइम अक्रॉस एनी क्रॉस सेक्शन इन अ डायरेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टू एरिया इज नोन एज करंट। कंप्लीट। तो ये थी डेफिनेशन। ऑफ यूनिट की बात करें तो यूनिट की बात करें चार्ज का यूनिट होता है कूलम। और टाइम। लेकिन हम इस चैप्टर में यूज करेंगे एम्पियर। एम्पियर आपको याद होगा इट इज द वन ऑफ द फंडामेंटल इट इज फ्रॉम द फंडामेंटल क्वांटिटी। हमने 7 फंडामेंटल क्वांटिटी 11 साइंस में पढ़ी थी उसमें एम्पियर था और इसको डिनोटेट करेंगे कैपिटल एस। और इसका अगर डायमेंशन आपको देखना है तो फंडामेंटल क्वांटिटी है A1। ठीक है। सो अब चार्ज की बात करें तो इसमें कहा गया है द फ्लो ऑफ चार्ज स्टेडी फ्लो। इसमें हम स्टेडी फ्लो की बात करेंगे क्योंकि वेलोसिटी कैसी थी कॉन्स्टेंट। तो अगर कोई कंडक्टर में लूं ये क्या था कंडक्टर अभी ये आइसोलेटेड है किसी के साथ कनेक्टेड नहीं है। अगर मैं इसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड दे दूं तो क्या होगा इसके अंदर कंडक्टर है तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो होंगे सो फोर्स लगेंगे इलेक्ट्रॉन इस तरफ आ जाएंगे और प्लस इस तरफ आ जाएंगे तो यहां पे इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा लेकिन उसकी डायरेक्शन क्या होगी ऑपोजिट टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। सो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा जीरो। कंप्लीट। टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा जीरो लेकिन ये आइसोलेटेड है। अगर मैं इस कंडक्टर को किसी एक्सटर्नल बैटरी या एक्सटर्नल सेल के साथ कनेक्ट कर दूं तो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगा। जैसे कि ये कंडक्टर इसको मैं कनेक्ट कर दूं एक्सटर्नल बैटरी के साथ वी यहां पे वी ये जीरो। ठीक है। तो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगा क्योंकि
बैटरी का काम क्या है? वो चार्ज को मोशन में रखेगा फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, ठीक है। तो करंट किस डायरेक्शन में होगा? प्लस टू माइनस, ये प्लस ये माइनस, मीन्स करंट जाएगा हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। लेकिन आपको मैं बता दू, करंट पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल मोशन करेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल मोशन करते हैं। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल, मीन्स लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल मोशन करते हैं। लेकिन आर्बिटरी हम करंट की जो डायरेक्शन है वो ऑलवेज पॉजिटिव टू नेगेटिव डायरेक्शन ले सकते हैं। आप नेगेटिव से पॉजिटिव ले सकते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि वो भी सब लॉ में अप्लाई हो सकता है। कंप्लीट। सो आपको याद रखना है, अगर आइसोलेटेड है तो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, लेकिन किसी बैटरी या सेल के साथ कनेक्टेड है तो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं हो, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये पूरी कहानी थी करंट की। अब कंडक्टर में किस तरह होता है वो थोड़ा जूम करके हम देखेंगे। तो अगर कंडक्टर को हम जूम करके देखें, जैसे कि ये फिगर ड्रॉ कर लू पहले, ठीक है, ये बैटरी कनेक्टेड है। अगर इस कंडक्टर को हम जूम करके देखें, जूम कोई मीटिंग नहीं करनी है हमें, इसके साथ जूम करके देखें तो इसमें छोटे छोटे क्रॉस सेक्शन हम देख सकते हैं। तो जैसे ही यहां से करंट एंटर होगा, करंट मींस नथिंग, आपको याद रखना है, करंट मींस नथिंग बट फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, ठीक है। तो जितने चार्ज एंटर होंगे एक साथ ही एंटर होंगे, ऐसा नहीं है कि कोई रह जाएगा कोई आगे बढ़ जाएगा, एक साथ एंटर होते हैं, ठीक है। लेकिन कॉन्स्टेंट वेलोसिटी है, जितने चार्ज एंटर होंगे उतने ही चार्ज एग्जिट होते जाएंगे क्रॉस सेक्शन में, ठीक है। तो आपको याद रखना है, ठीक है, दैट अ चार्ज कैन नेवर बी प्रोड्यूस नेवर बी डिस्ट्रॉय, कंप्लीट। सो चार्ज, वॉट एवर चार्ज एंटर इन द कंडक्टर इज लीविंग द कंडक्टर एट द सेम टाइम, इट मीन्स दैट इज द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। यहां पे कोई चार्ज एक्स्ट्रा एंटर नहीं हो सकता, यहां से कोई एक्स्ट्रा चार्ज जल्दी से बाहर नहीं निकल सकता। पर यूनिट टाइम में जितना चार्ज एंटर होगा उतना ही पर यूनिट टाइम में उतना चार्ज यहां से एग्जिट होगा, मीन्स यहां पे फ्लो ऑफ चार्ज इन पर यूनिट टाइम कितना होगा? कॉन्स्टेंट। सो दैट फ्लो ऑफ चार्ज इन यूनिट टाइम कॉन्स्टिट्यूट द करंट आई। यहां करंट के भी दो टाइप है, जैसे हमने थर्ड चैप्टर 11 साइंस में पढ़ा था वेलोसिटी। वेलोसिटी में हमने क्या पढ़ा था? एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी मींस बिटवीन द टू टाइम यू कैन मेजर द वेलोसिटी, दैट इज नोन एज एवरेज वेलोसिटी। बट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इट मींस वी नीड टू नो द वेलोसिटी एट अ पर्टिकुलर सेकंड। तो पर्टिकुलर सेकंड की बात करेंगे तब हमें उसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू कंसिडर करनी पड़ेगी, कंप्लीट। सो यहां पर भी करंट हम दो तरह के पढ़ने वाले हैं। एवरेज, एवरेज करंट की बात करें तो इस तरह होगा डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, एंड इंस्टेंटेनियस आई डी क्यू बाई डी टी। तो इस तरह से इसकी डेफिनेशन आप करते कर सकते हो, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज दैट इज नोन एज करंट पर यूनिट टाइम, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। जो चार्ज का फ्लो हो रहा है उसका आप अगर रेट निकाल दे पर यूनिट टाइम तो दैट इज कॉन्स्टिट्यूट द इलेक्ट्रिक करंट। ये एवरेज की सिंबल है, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, लेकिन इसकी ये भी डाल दे क्योंकि आगे जो चैप्टर आने वाले है उसमें इसी का यूज होगा, ठीक है। सो इस तरह से पूरी कहानी है करंट की। सो करंट के रिलेटेड आप
सम इम्पोर्टेंट भी बना सकते हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट इक्वेशन लाइक क्यू अपॉन टी। अब फर्स्ट चैप्टर पढ़ चुके हैं, क्यू इज इक्वल टू एनी अपॉन टी। अगर कोई इलेक्ट्रॉन सर्कुलर मोशन कर रहा है तो हम टी की जगह पे लिख सकते हैं टाइम पीरियड, और वन अपॉन टाइम पीरियड मीन्स फ्रीक्वेंसी। तो इस तरह आप डिफरेंट डिफरेंट इक्वेशन का यूज कर सकते हैं जे डब्ल्यू और लीक के लिए। ठीक है, सो ये पूरी कहानी थी करंट की। अब इसके रिलेटेड 2-3 सम्स देखते हैं तो आपको प्रैक्टिस हो जाएंगी। आपको ये भी याद रखना है, यहां से अगर चार्ज आपको दिया गया हो तो आप करंट फाइंड कर सकते हो। तो आपका क्वेश्चन होगा, सर अगर करंट का जो इक्वेशन टाइम में दिया गया हो तो क्या हम चार्ज फाइंड कर सकते हैं? यस, क्योंकि मैथ्स वाले जानते हैं अगर मैं डीक्यू को सब्जेक्ट बनाऊंगा और यहां पे इंटीग्रेशन कर दूं तो ये हो जाएगा क्यू इंटीग्रेशन आई डीटी। तो इस तरह से आप चार्ज भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अगर चार्ज दिया गया हो इन द टर्म ऑफ टाइम देन यू कैन फाइंड द करंट, एंड इफ करंट गिव इन द फंक्शन ऑफ टाइम देन यू कैन फाइंड द चार्ज। ठीक है, सब इसके रिलेटेड हम अभी सम कैलकुलेट करेंगे। अगर आपको क्वेश्चन हो कि करंट, अगर सर पूछा जाए करंट इज अ ब्लैंक क्वांटिटी स्केलर वेक्टर तो हम क्या लिखे, जैसे कि अगर मैं आपसे इस तरह पूछूं यहां से 2 एम्पियर, यहां से 3 एम्पियर, तो यहां होगा 5 एम्पियर। ठीक है, उसी तरह यहां से 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, यहां क्या आंसर होगा? तो यहां पर भी आंसर होगा 5 एम्पियर। अब जैसे कि मैं अगर सोचूं कि इसके बीच का एंगल हम ले लेते हैं 60 डिग्री, और इस तरह से बीच का एंगल हो 90 डिग्री, यहां से 2 एम्पियर, यहां से 3 एम्पियर, तो यहां पे क्या आंसर होगा? 5 एम्पियर। इट मींस दैट करंट डस नॉट फॉलो द वेक्टर एडिशन, करंट डस नॉट फॉलो द वेक्टर एडिशन ऑफ वेक्टर, लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर। तो करंट क्या है? स्केलर क्वांटिटी, वो डायरेक्शन पे डिपेंडेंट है। जैसे कि अगर यहां पे -2 कर दे, -2 एम्पियर, तो 3 - 2 यहां पे 1 एम्पियर हो जाता है। तो डायरेक्शन पे डिपेंडेंट है, मीन्स यहां की डायरेक्शन हम पॉजिटिव ले ले, ये डायरेक्शन हम नेगेटिव ले ले, तो डायरेक्शन पे डिपेंडेंट है लेकिन एंगल पे डिपेंडेंट नहीं है। तो अगर आपको पूछा जाए करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अब सम कैलकुलेट करते हैं। एक सम जो बेसिक हर रेफरेंस बुक में दिया जाता है वहीं से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आपको दिया गया हो चार्ज, अगर आपको चार्ज दिया जाए t² + 40 + 5, ये जनरल सम है जो सब रेफरेंस बुक में दिया गया हो। हमें यहाँ पे आई एवरेज फाइंड करना है एट t = 0 to t = 3 सेकंड के बीच में, और आई इंस्टेंटेनियस फाइंड करना है t = 3 सेकंड में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सो आई एवरेज इज इक्वल टू आई डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, मीन्स क्यू एट 3 सेकंड एंड क्यू एट 0 सेकंड अपॉन टाइम एट 3 सेकंड एंड टाइम एट 0। सो पहले हम Q3 फाइंड कर लेते हैं।
सो चार्ज की वैल्यू हमें दी गई है T² प्लस 4T प्लस 5। तो चार्ज हम फाइंड करेंगे 3 सेकंड, सो 3² 9 प्लस 4 3 12 प्लस 5, सो 12 प्लस 9 21, 21 प्लस 5 26 कूलम। अब क्यू 0 0 प्लस 0 प्लस 5, सो 5 कूलम। अब वैल्यू पुट कर देते हैं, 26 माइनस 5 अपॉन 3 माइनस 0, सो 21 डिवाइडेड बाय 3, सो आई एवरेज 7 एम्पीयर। अब क्यू इंस्टेंटेनियस फाइंड करेंगे, ये मैं क्लीन कर दूं। सो फर्स्ट सेकंड I instantaneous, it means dQ by dt, I instantaneous। तो हम डेरिवेशन करेंगे चार्ज का, T² प्लस 4T प्लस 5, ठीक है, बायोलॉजी वाले ध्यान से देख के डेरिवेशन है। सो डेरिवेशन, सो पावर कम्स फॉरवर्ड, वन डिक्रीजिंग पावर, टाइम का विथ रिस्पेक्ट टू टाइम डेरिवेशन 1, और कांस्टेंट का डेरिवेशन हो जाता है 0। सो आई इंस्टेंट 2t प्लस 4, अगर आप ध्यान से देखें तो ये इक्वेशन हो गया स्ट्रेट लाइन का, y इज इक्वल टू mx प्लस c। चलिए अब इंस्टेंटेनियस कहां पे फाइंड करना है, t इज इक्वल टू 3 सेकंड, सो एट 3 सेकंड आई इंस्टेंटेनियस 2 3 6 प्लस 4 10 एम्पियर। सो इस तरह से अगर आपको चार्ज दिया गया हो इन द फंक्शन ऑफ टाइम, सो यू कैन फाइंड द एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, अब नेक्स्ट समीकरण, आपको करंट दिया गया हो विद फॉर्मूला I0 प्लस अल्फा टी, वेयर I0 एंड अल्फा कांस्टेंट। I0 की वैल्यू आपको दी गई है 10 एम्पियर एंड अल्फा की वैल्यू दी गई है 4 एम्पियर पर सेकंड इनवर्स। तो आपको फाइंड करना है चार्ज एट फर्स्ट 10 सेकंड। तो फर्स्ट 10 सेकंड में कितना चार्ज फ्लो होगा एनी क्रॉस सेक्शन, वो आपको फाइंड करना है। तो हमें पता है I इज इक्वल टू dQ बाय dt, इंस्टेंटेनियस वाला था, सो dQ को सब्जेक्ट बनाएंगे, I dt, सो इंटीग्रेशन बोथ साइड, सो I Q इज इक्वल टू I dt। I की वैल्यू है I0 प्लस अल्फा t dt। अब यहां पे हम इंटीग्रेशन करने वाले हैं, ठीक है, यहां पे कुछ नहीं है तो इंटीग्रेशन क्या करता है, इंक्रीज करता है। तो यहां पे हो जाएगा I0 इंटू t प्लस, यहां पावर में 1 है, इंटीग्रेशन क्या करता है, 1 इंक्रीजिंग पावर अपॉन टोटल पावर, सो अल्फा T² बाय 2। हमें कहां फाइंड करना है, फर्स्ट 10 सेकंड में, मींस लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 10। अब वैल्यू पुट कर देते हैं क्यू, I0 की वैल्यू दी गई है 10, t प्लस अल्फा की वैल्यू दी गई है 4 डिवाइडेड बाय 2 T² 0 10, ये हो जाएगा 10t प्लस 2t². अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सो अपर लिमिट 10 इंटू 10 प्लस 2 10² लोअर लिमिट तो 0 है, सो क्यू इज इक्वल टू 100 प्लस 200, सो क्यू इज इक्वल टू 300 कूलम। सो इस तरह से अगर आपको करंट का इक्वेशन दिया गया हो विथ फॉर्मूला और द फंक्शन ऑफ टाइम, देन यू कैन फाइंड द चार्ज। तो यहां पे हमें इंटीग्रेशन करना है, अगर चार्ज दिया गया और करंट फाइंड करना है तो इंस्टेंटेनियस में डेरिवेशन है,
और एवरेज में डी क्यू बाई डी टी सॉरी डेल्टा क्यू बाई डेल्टा ठीक है। एक सम मैं आपको होमवर्क में देता हूं, सम इस तरह है, क्वेश्चन इज दैट आई इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस वन फाइंड द फ्लो ऑफ चार्ज इन अ टाइम फ्रॉम टी इज इक्वल टू जीरो टू टी इज इक्वल टू थ्री सेकंड एंड ऑल्सो फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पासिंग थ्रू द एरिया इन अ टाइम। तो मैं अगर आपको हिंट दे दूं, आपको करंट दिया गया है इन द फंक्शन ऑफ टाइम, तो आपको चार्ज फाइंड करना है, इट मींस आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो फर्स्ट तो मिल जाएगा, सेकंड आपको फर्स्ट चैप्टर याद होना चाहिए, Q इज इक्वल टू एन ई, इसकी हेल्प से आप एन फाइंड कर लेना, आपका सम हो जाएगा। तो इसका आंसर आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है, नोट कर लिया। और एक सम आपको होमवर्क में देता हूं क्योंकि आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। इन हाइड्रोजन एटम an electron is moving in a circular orbit of radius 5.3 into 10 raised to minus 11 meter with constant speed 2.2 into 10 raised to 6 meter per second find the current produced due to the motion of electron। तो आपको ऑप्शन में दे देता हूं, 1.06 एम्पियर, 1.06 मिली एम्पियर, 1.12 एम्पियर एंड फोर्थ है 1.12 मिली एम्पियर। मैं आपको हिंट दे देता हूं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, ई अपॉन टी, हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन सर्कुलर मोशन में ऑर्बिट कर रहा है, मोशन कर रहा है, मीन्स ई अपॉन टी। और कोई भी इलेक्ट्रॉन या पार्टिकल सर्कुलर मोशन में अगर मोशन कर रहा है देन वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस पर टाइम। तो अगर सर्कुलर मोशन में कर रहा है तो उसका डिस्टेंस कितना कवर करेगा, 2 पाई आर और टाइम टी, यहां से टी को सब्जेक्ट बनाएंगे तो हो जाएगा 2 पाई आर अपॉन वी, सो आई इज इक्वल टू ईवी अपॉन 2 पाई आर। आप इसमें वैल्यू पुट कर देना, आपको आंसर मिल जाएगा। इलेक्ट्रॉन की वैल्यू आपके पास है 1.6 इंटू 10 रेस टू माइनस 19, वेलोसिटी की वैल्यू है 2.2 इंटू 10 रेस टू माइनस प्लस 6, 2 पाई आर की वैल्यू भी दी गई है। तो इस तरह से आप ये सम कैलकुलेट कर सकते हैं। और 2-3 सम मैं आपको होमवर्क में दे देता हूं, अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो कर सकते हैं, ठीक है। सो ये 3 सम आपको होमवर्क में दे रहा हूं, इसका आंसर आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। ये सब आपकी प्रैक्टिस के लिए है, ऐसा मत सोचिए ये कोई भी सम 20 सेकंड से ज्यादा टाइम नहीं लेगा आपके पास, और आपके पास अभी टाइम ही टाइम है तो थोड़ा आलस मत करिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसे सम तो नहीं पूछे जाएंगे लेकिन इसका कॉन्सेप्ट आपको जेडब्ल्यू नीट में काम आ सकता है, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन रिपीट कर देता हूं, ठीक है, आपको वो कैलकुलेट करना है, ठीक। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पासिंग थ्रू कंडक्टर व्हेन 3 मिली एम्पियर करंट पास थ्रू इट इन 1 मिनट इज। आपको पहले क्वेश्चन अंडरस्टैंड करना है, उसमें गिवन डेटा लिखना है, क्या फाइंड करना है, उसका जो गिवन डेटा है उसके साथ कोई रिलेशन है या नहीं, कोई कनेक्टेड है या नहीं, उसके बाद आप कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करना है, मींस एन को फाइंड करना है, ठीक है। सेकंड ऑप्शन दिए गए हैं आपको, एन
electron perform 25 revolution on a circular path in 1 second. So how much electric charge will pass through any point in 10 seconds? यहाँ पे आपको Q find करना है. Perform revolution means आपको frequency दी गई है और electron perform कर रहा है means E की value तो आपको याद रखनी है 1.6 into 10 to minus 19 coulomb. तो आपको Q find करना है. वो आप किस तरह करते हैं वो आपको देखना है, लेकिन थोड़ा मगज चलाइए. कंप्लीट. थर्ड, इफ 0.6 मोल इलेक्ट्रॉन पास थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टिंग वायर इन अ 10 मिनट इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट विल बी. यहाँ पे आपको करंट फाइंड करना है. तो 0.6 मोल इलेक्ट्रॉन आपको दिया गया है, वो किस तरह से आपको क्या कनेक्ट करना है. तो 0.6 मोल है तो आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पहले फाइंड करना पड़ेगा. ये इस तरह से आप करंट फाइंड करेंगे तो आंसर इसमें से आ जाएगा. तो ठीक है, आज का लेक्चर बस बच्चों इतना ही. पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, सम कैलकुलेट करते रहिए. जय श्री कृष्ण.